What's up everybody, Shiva Sehgal back again with the brand new video and I hope all of you are doing fabulous. Guys, आज है मेरा day 8 in Kuala Lumpur. भाई 8 दिनों से यहीं पे हूँ मैं. 8 दिन वैसे थोड़े से ज्यादा हो गए क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो चुकी है. तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ वही अपना, आपको अगर ब्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता ही होगा 5 बजे भाई मतलब लंच इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो जाता है. बाकी गाइज ये वाली वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है कि कितना एक्सपेंसिव है मलेशिया एज कम्पेयर टू इंडिया. इस वीडियो में मैं जाऊँगा एक ग्रोसरी स्टोर और वहाँ पे जाके आपको सारी चीजें दिखाने वालों की भाई क्या क्या चीजों का क्या क्या प्राइसिंग है. जो भी प्राइसिंग मैं बोलूंगा वो रिंगिट्स में हो गए, उसको सिंपली इंटू करना 18.5 से. भाई ये रहा मेरा हॉस्टल. हॉस्टल से निकलते ही सामने जो है स्टोर है केके करके. यहाँ पे दो स्टोर 24 घंटे खुलते हैं और दो ही स्टोर है तो काफी सारे स्टोर पर दो ही मेन है, एक केके और एक 7-Eleven. तो केके में चलते हैं, यहाँ पे ज्यादा वैरायटीज है. स्टार्टिंग करते हैं भाई कॉलगेट वगैरह से क्योंकि ये अपने वहाँ पे भी मिलते हैं. तो भाई इस तरीके का जो बेसिक कॉलगेट है अपने वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 30-40 रुपए का आता होगा शायद. ये वाला छोटा ही है, ये 75 ग्राम वाला. तो यहाँ पे ये है भाई ऑलमोस्ट 13 रिंगिट का, 12.90. मतलब भाई ये कम से कम 200 रुपए से भी ज्यादा का है. यहाँ पे पेप्सोडेंट वगैरह सस्ते हैं यहाँ पे. बाकी ये हैंड वॉश तो ये है भाई 8.9 रिंगिट का. बाकी भाई मैं ब्रश जो है अपना लेके नहीं आया था तो भाई ब्रश के प्राइसेस देखो एक बार भाई. 4.9 रिंगिट का, सेम 5.9 रिंगिट का. और कॉलगेट यहाँ बड़ा महंगा है. देखो कॉलगेट का ब्रश 6.9 रिंगिट का, मतलब भाई कम से कम 120-130 रुपये के आसपास का. पर ये वाला पैक अगर आप लोगे तो सस्ता पड़ेगा. जैसे 3 का पैक है 8 रिंगिट का और ये खाली एक है 7 रिंगिट का. 1 रुपये और मिला के भाई, 1 रिंगिट और मिला के 3 ले लो. तो भाई ये जो अपने वहाँ पे गार्नियर के पाउच मिलते हैं हेयर कलर के, तो ये है भाई यहाँ 12.90 रिंगिट का. सिल्क का शैम्पू भाई ऑलमोस्ट 8 रिंगिट. हेड एंड शोल्डर नीचे बड़ा भाई, ये बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर है 25-26 रिंगिट का. ऑलमोस्ट इधर सारा जो इंडिया में मिलता है वही है, पर प्राइस ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा, कुछ चीज़ों का कम भी है. 3 पेन का पैक 4.5 रिंगिट, लगभग 90 रुपये के आसपास का. सब कुछ ही मिलता है यहाँ पे, चप्पलें वगैरह भी चाहिए तो. बाकी इस किचन का सामान रैकेट वगैरह भी है. ये अगर रैकेट का प्राइस दिखाऊँ तो 13.50 रिंगिट. अपने मसाले भी हैं यहाँ पे देखो, जैसे कि लाल मिर्च हल्दी. तो ये एक सैशे का प्राइस है 1.2 रिंगिट, मतलब कि 20 रुपये मान लो, 20-22 रुपये के आसपास. और बड़ा वाला है तो वो 3 रिंगिट के आसपास का, मतलब 55 रुपये के आसपास का. बाकी भाई तेल वगैरह आप देख ही सकते हो 5-5 लीटर में. तो ये तेल है कौन सा वो मुझे पता नहीं, मस्टर्ड तो नहीं लग रहा है मेरे को, कुछ और भी हो सकता है. तो वैसे इतना बड़ा है मेरे ख्याल से कितना 2 लीटर का है, तो 2 लीटर का प्राइस है 13.30 रिंगिट. छोटे में भी है 1 लीटर में तो वही 7.9 रिंगिट. और बड़े में भी है 5-5 लीटर. मैगी वगैरह जो है इधर बड़ी महंगी है. मैगी का मैं प्राइस दिखाता हूँ आपको. एक तो मैगी यहाँ पे अवेलेबल है देखो, जैसे मैगी अपनी वाली, पर फ्लेवर वो इंडिया वाले नहीं है, फ्लेवर सारे अलग है. अपने फ्लेवर हैं यहाँ के, जैसे हमारे वाली यहाँ नहीं मिलेगी, इनकी वाली वहाँ नहीं मिलती है. अपनी अपनी कंट्री का फ्लेवर है भाई इनके. ये 5 मैगी का पैक है, बड़ा वाला पैक है ये 5 मैगी का. तो इसका प्राइस है 4.69 रिंगिट, अप्रोक्सीमेटली 80 रुपये. मतलब ठीक है यार, फिर तो कुछ चीज़ें सस्ती है, कुछ कुछ बहुत महंगी है. जैसे ये वाला है, ये वाला 5 रिंगिट्स का पैक है. यहाँ पे हमारी केचप मैगी की सॉस भी मिलती है, ये दी छोटी वाली सॉस मैगी की. तो ये वाली है 3.7 रिंगिट्स की. कोक के कैन की बात करूँ तो कोक का कैन सस्ता है भाई यहाँ पे. कोक के कैन का रेट है 1.9 रिंगिट, 35 रुपये के आसपास. हाँ भाई बियर में आते हैं, बियर देखो भाई, बियर बड़ी महंगी है. तो ये टाइगर करके बियर है 320 ml की और इसका प्राइस है 3.9 रिंगिट. ये वर्ल्ड फेमस हेलिकेन तो है ही है. ये है भाई 10.9 रिंगिट, 200 रुपये के आसपास मान लो. ग्लासबर्ग 8.5 रिंगिट. ये 320 ml वाले कैन है, ये बड़े वाले कैन भी नहीं है. ये कोक जीरो पे 1.5 लीटर वाला पैक है ये और 3.9 रिंगिट का. फंटा भी मिलती है यहाँ पे दोनों फ्लेवर की. ये वाली तो इंडिया में शायद अब पता नहीं स्ट्रॉबेरी वाली आने लग गई है कि नहीं अभी पता नहीं. तो ये 4.9 रिंगिट की. वही डिटर्जेंट वगैरह, जैसे कि ये 3 किलो का पैक है तो 4.9 रिंगिट का. ये साबुन वगैरह जो है ना भाई लूज़ नहीं मिलते, 3-3 का पैक मिलता है. तो जैसे ये 5.9 रिंगिट का, लगभग 100 रुपये के आसपास का. और डेटॉल भी है यहाँ पे, डेटॉल का भी पैक है 3 का. तो डिटॉल का सस्ता है 3.9 रिंगिट का. अब चलते हैं चिप्स वगैरह के सेक्शन में. हमारा चॉकलेट चिप्स वगैरह के सेक्शन में आ गए हैं. तो जैसे कि लेज वगैरह तो यहाँ पे है पर इस शॉप में नहीं देखे मैंने. तो जैसे कि ये वाला पैक है लगभग 80 रुपये के आसपास का. तो ये रहा ओरियो, तो ये ओरियो उसका प्राइस तो नहीं लिखा. यहाँ पे देखो लेज ना ऐसे भी आते हैं, जैसे प्रिंगल्स आते हैं ना वैसे इसमें आते हैं. तो ये 7.9 का है. बाकी भाई यहाँ पे पीनट्स वगैरह जो है इस तरीके से मिलते हैं. तो ये 80 रुपये का,
गपशप टाइप के ही है, तो ये 100 रुपए का आसपास का छोटा पैकेट है, ज्यादा बड़े पैकेट भी नहीं है। वो चॉकलेट्स की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि ये वाली डेरी मिल्क है भाई 12 रिंगेट की, 11.90 रिंगेट की। रोस्टेड आलमंड 8.9 की। डेरी मिल्क हेजलनट 3.5 की। ना अपनी दालें वगैरह नहीं है, दाल चावल वगैरह तो है यहाँ पे, आटा और दाल नहीं है कि यहाँ पे एक आगे स्टोर था दाल और आटा वगैरह भी था। तो अच्छा, पानी का मैंने प्राइस नहीं दिखाया, तो यहाँ पे देखो रेड बुल ना दो साइज में आती है, तो बेसिक साइज है जो हमारे वहाँ पे भी मिलता है, तो ये 7.9 की है और ये इससे बड़ा साइज है, ये अराउंड 9.5 की है। पानी की अगर बॉटल की बात करूँ तो भाई ये वाली जो है 10 रुपए वाली जो हमारे वहाँ मिलती है 1.9 की, मतलब 20-22 रुपए की। मतलब अलग अलग वराइटीज है, ऐसे इनके खुद की है केक के, तो ये 2.5 की है, 2-1.5 लीटर वाली। बाकी सारी बियर वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे बड़ी वाली बियर भी है। ये वाला साइज जो है ना, ये वाला साइज मिलता है भाई अपने वहाँ पे कैन में 14.90 की। आइसक्रीम कुछ कुछ तो सस्ती है, जैसे कि एक कोन वाली है तो 2.9 की, ये भी 2.9 की। जो बिस्किट है वो 5.9 का है। ब्रेड वगैरह थोड़ी महंगी है, जैसे कि इतनी बड़ी ब्रेड अपने वहाँ पे 35-40 रुपए की आती है, तो यहाँ पे है ये 3.7 रिंगेट्स की, मतलब 70 रुपए के आसपास। तो भाई ये सिगरेट भी यहाँ पे मिलती है, पूरा लगा रखा है इन्होंने सिगरेट का। वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, पर प्राइस के हिसाब से कंपेयर करना। ये वाला है भाई रोथमास अराउंड 12.40 रिंगेट के आसपास की डब्बी है, ये 12 रिंगेट की डब्बी है, और ये वाली जो है 17 रिंगेट के आसपास की। ये डनहिल है यहाँ पे और मार्बोलो स्विच भी है, तो मार्बोलो जो है कुछ 17.40 रिंगेट की है। तो विस्की वगैरह भी अवेलेबल है, दिखाऊंगा भाई शॉक्ड हो जाओगे यहाँ कैसे। जैसे कि ये यहाँ की देसी वगैरह है, ये हाफ है 21 रिंगेट की। अरे वोट का वगैरह है, अब भाई जो शौक होने के लिए तैयार हो जाए, देखो भाई नंबर वन पड़ा अपना। लेकिन भाई इतना महंगा है ये हाफ, 43 रिंगेट का, बहुत महंगा है। और ये मॉर्फिन जो ब्रांडी आती है, ये भी बड़ी बहुत, ये भी बहुत महंगी है। और बड़ी वाली बोतलें भी हैं इनके पास मॉर्फिन की भी, बड़ी वाली 90 की है। और मैकडबल की भी बड़ी वाली पड़ी है, वो देखो ये 80 की, बहुत महंगी है। मतलब भाई इनकी हैसियत इंडिया में कुछ नहीं है, लेकिन बाहर आके देखो मैकडबल की नंबर वन की तो पता चलेगा। तो भाई दूसरे वाले स्टोर पे आऊँ, जब मैं बता रहा था ना आपको कि चावल वगैरह मिलते हैं, तो ये रहे भाई चावल, तो 5 किलो के चावल है। पर भाई ये ना पूरा ना इन्होंने जैसे वैक्यूम नहीं कर देते, पूरी हवा निकाल दी इसकी और इतना भारी हो रखा है ये। तो ये वैसे है 15.95 रिंगेट्स का 5 किलो का स्टार्टिंग होगी वैसे। एक ये है ये, तो फिर ये 40.9 रिंगेट्स का है। फिर एक ये भी है, ये भी सेम 15.9 रिंगेट्स का है। तो ये वाला जो है काफ़ी अच्छा होगा भाई, ये इंडियन स्टोर टाइप का ही है, तो सारे मसाले मिल रहे हैं। देख ये इलायची छोटा सा पैकेट 3 रिंगेट का, जीरा लौंग 2 रिंगेट की, लाल मिर्च, पता नहीं तो कौन कौन से मसाले लिया, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, खीरा, बैंगन, भिंडी, मिर्ची, करेला, शायद एक कॉर्जेट होगी, आगे पालक होगी, फिर ये थोड़ा सा नॉनवेज सेक्शन, फिश वगैरह, बिस्किट वगैरह जो बेकरी वाले होते हैं। प्राइजेज वगैरह देखो, किसी किसी पे लिखा हुआ है, किसी किसी पे लिखा भी नहीं है। वगैरह जो है सारी दुकानों में ही मिलती है, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वाइन बियर शॉप हो। सारा कुछ भाई एक ही दुकान में, चाहे सब्जियां ले लो चाहे इंडियन सामान ले लो, इंडियन स्टोर ही था ये काइंड ऑफ। एक और स्टोर में आया हूँ वाला कॉर्नफ्लेक्स 6.10 का, इसका इनॉग्रेशन तो अभी हुआ है, कल ही हुआ था, परसों तक तो ये बन ही रहा था, आज ही ओपन हुआ है शायद ये। देखो कुछ नई चीज दिखी, नासी बिरयानी मैगी की, मैगी का देखो पता क्या होता है कि ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है और हर जगह के हिसाब से उनके प्रोडक्ट बनाती है। अब ये वाली चीज इंडिया में नहीं मिलेगी। अंडे 12 अंडे की ट्रे है 6.8 रिंगिट की, अंडे सस्ते है फिर यार यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो। दालें वगैरह आ गई ना यहाँ पे, दालें वगैरह भी है। तो ये देखो चने का पैक है, ये 6.5 रिंगेट का, पर ये आई थिंक 500 ग्राम का है। इससे छोटा भी है 200 ग्राम का 3.2 रिंगेट का। अब ये पता नहीं कौन सी दाल है भाई, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है, आधी किलो की है ये 3.3 रिंगेट की। ये तो पीनट्स हो गए, फिर ये मूंग हो गई, पता नहीं कौन सी दाल हो गई, ये भी 6 रिंगेट की आधे किलो। तो वैसे ही भाई एक ये कौन सी, ये देख लो भाई, मुझे दालों का नाम नहीं पता, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे वो इन्हीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये वाली जो है 5.5 रिंगेट की है, ये वाली जो है 1 केजी की है 8.9 रिंगेट की, और हाफ केजी 5.4 रिंगेट।
इसे ये है प्याज का 2.3 रिंगिट का 600 ग्राम, आधी किलो से थोड़ा सा ज्यादा। और यहाँ जो बड़े वाले प्याज होते हैं ना, ये बड़े वाले प्याज भाई साइज देख रहे हो, मतलब इतना बड़ा साइज है ना मौसम्बी जितना, मतलब मौसम्बी बड़ी वाली मौसम्बी लगा लो। नीचे आलू है, छोटे वाले प्याज भी है, लहसुन, लहसुन का प्राइस है भाई 400 ग्राम का ये, और लहसुन का प्राइस है, प्राइस नहीं लिखा है इसका यार। ये बाकी भाई ये वाली जो मैगी जो मैं उस दिन लेकर आया था ना भाई, बड़ी टेस्टी मैगी थी, लेकिन इतनी मिर्ची थी ना ये, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना बहुत मिर्ची है तो लिटरली बहुत मिर्ची है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा सकता हूँ, मेरे से बर्दाश्त भी होता है, पर मैं इतना खाता नहीं, पर मैं खा सकता हूँ। बाकी भाई ओरियो के प्राइस लिखे हुए थे, इतना बड़ा वाला ओरियो गिर गया भाई, दब दो फटाफट। ये वाला ओरियो भाई 2.80 रिंगिट का, छोटा वाला 1.8 का। बॉटल पहला स्टोर है जहाँ पे मुझे बॉटल दिखी, मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे बॉटल आती होगी, बॉटल भाई मुझे पहली बार दिख रही है भाई। तो बॉटल है भाई ये वाली 19 रिंगिट की, और ये वाली 17 रिंगिट की। भाई इस वाले स्टोर में प्राइस जो थे वो कम थे, शायद इसलिए भी हो सकता है कि आज ही खुला है तो प्रमोशन चला रहे हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड, दिस इज चिकन मटन लैम्प भाई, बारबी वगैरह हो रहा है यहाँ पे, और ये क्लब वगैरह भाई यहाँ पे टाइम में दो तीन एडल्ट क्लब है, एक पीछे था, एक ये रहा 29 सिटी ऊपर यहाँ पे काफ़ी बने हुए हैं यहाँ पे। और भाई मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हल्की ये ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तीन दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है भाई, रोज़ ही हो रही है, हल्की हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन भाई शुक्र है कि भाई मैं पहले आ गया था और मैं घूम लिया भाई बिना बारिश के, मतलब इस बार मैंने बारिश की कंप्लेन नहीं करी है, लेकिन फिर वही है लंकावी में अब देखना पड़ेगा। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, भाई मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है कि यहाँ के प्राइजेस ज़्यादा है कि इंडिया के, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, कुछ कुछ चीज़ों के प्राइजेस यहाँ पे ज़्यादा है, कुछ कुछ चीज़ों के सेम है, कुछ कुछ चीज़ों के कम भी है। ऐसी वीडियोज़ मुझे बनाना पर्सनली पसंद है, क्योंकि मैं भी जब किसी ब्लॉगर को देखता हूँ जाता है तो मेरे को भी थोड़ा सा वो लगता है यहाँ पे क्या चीज़ों के प्राइजेस है, महंगा है कि सस्ता है। आज कुआलालंपुर में लास्ट नाइट है, कल की रात हम बनाएंगे भाई लंकावी में। भाई तगड़ा ही मौसम खराब हो रहा है भाई, आज तो लगता भाई तगड़ी वाली बारिश आने वाली है, पूरे काले बादल आ चुके हैं, वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है भाई। और भाई यहाँ पे ना पहाड़ भी है सिटी के अंदर, आप देख सकते हो, देखो वहाँ पे पहाड़ भी है, वो जब फ्लाइट से आ रहा था तो ऊपर से दिख रहे थे। जबरदस्त मौसम हो गया, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना, वो भाई रिकॉर्ड हुआ ना, बिजली गिर रही है वहाँ पे, मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, तगड़े वाले आने वाले टाइम लैप्स। बड़ी मुश्किलों से एक वेज मैगी लेकर आया हूँ, अब भाई कितनी वेज है मुझे तो पता नहीं, लिखा है इस पे वेजिटेरियन, जो भी लिखा आप पढ़ लो भाई, क्योंकि भाई नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं, अब भाई कुछ खा नहीं सकते, अब भाई गलती से खा लिया तो वो एक अलग बात है, या फिर अब नहीं मिलेगा कुछ, फिर कुछ करना पड़ेगा, तो भाई मैं क्या करूँ, मैं दूसरे देश में हूँ। बाकी गाइस होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही हो, मलेशिया सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। पिज़्ज़ा की वीडियो जो है आज मैंने लाइव कर दी है, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि वीज़ा कितने का पड़ता है, कैसे लगवा सकते हो, अगर आपको आना है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, उसको ऑल पे कर देना ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसी किसी दूसरी वीडियो पे, जब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, थैंक यू, बाय बाय।